السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا". فقه <applause> السيرة <applause> ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के तहत जो किताब हमें पढ़ना है मरूफ़ आलम्दीन सरत नगार फजीलशेख सफ़ीर अलमबारकपुरी रही की किताब तजल़ नबोअ इस किताब को शेख मोहतरम ने हम तलबा की ज़रूरियात को सामने रखते हुए मुरतब फरमाया कि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक सीरत का सही खाका और पैगाम बसानी पहुँच जाए कल के दरसे में फ़िका का मफहूम क्या है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात क्या हैं और हमें सीरत का मुताला क्यों करना चाहिए इन तीन बातों का तस्करा कुछ इजमाली और कुछ तफसीली आपके सामने किया गया नबी करीम वसल्लम को एक मकसद के लिए अल्लाह आलमीन को भेजना था उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी उसका सबकाहिम ही, ही पूरी प्लानिंग के साथ होता है आला दर्जे की प्लानिंग होती नबी को नबी बनाना था तो उसका भी एक खास अहतमाम कि आगे चल करके एतराज आप पर ना कर सके बेजा एतराज तो हो सकता है लेकिन जायज एतराज इल्जाम नबी की ज़ात पर ना लगने पाए वरना फिर दावत का काम मुतािर हो जाता है उसकी वैल्यू नहीं रह जाती समाज के अंदर सामाजिक तौर पर लोगों को मुतािर करने के लिए इंसान की शख्सियत में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती ये चीज़ हो तो उसकी बात सुनी जाती है ये चीज़ हो तो उसकी बात सुनी जाती जाहरी रख रखाव भी पहनना ओढ़ना ये तमाम चीज ये तमाम चीजें भी माने रखती उसी में से एक चीज़ है कि इंसान फला शख्स खानदानी कोई इंसान बगैर खानदान का होता है नहीं लेकिन किसी के लिए कहा जाता है ये शख्स खानदानी इसका मतलब क्या है यानी इसके ख़ानदान आला दर्जे का है इसके ख़ानदान के लोग ऊँची हरकतें करने वाले नहीं गैरतमंद लोग हैं बेइज्जत लोग नहीं हैं इनका हसबो नसब जो है वो बहुत सारी चीज़ों से पाक साफ़ है गलाजत से इशारा काफ़ी है तो कहते हैं ख़ानदानी आदमी और जो ख़ानदानी आदमी होता है लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं। वो कभी कभी गलत भी बोलता है तो लोग उसको अहमियत देते हैं पैरा नबी अलैहि वसल्लम का जो खानदान था उसको आप देखें समाज के एतबार से तो एक गैर मुस्लिम भी कहेगा कि आप खानदानी आदमी थे अल्लाह आलमीन ने प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि इस हैसियत से आप पर कोई इल्जाम ना लगा सके और अगर इसमें कमी रहती है तो लोग फौरन कहते हैं क्या बात करते हो मैं जानता हूं किस खानदान के हो तुम तुम्हारे बाप दादा को भी जानते हैं तुम्हारी अम्मा को भी जानते हैं है ना और इतना कहना अच्छी से अच्छी बात सच्ची से सच्ची बात की वैल्यू को लोग घटा देते हैं तो नबी करीम आलमीन ने ख़ानदानी बनाया था यानी आला व नसब वाला बनाया था इस पसमंदर में हम आज इख्तिसार के साथ नबी करीम का जो ख़ानदानी पस है ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो आज के दर में समझना चाहेंगे कल मैंने कहा था कि हमको 25 सफात का मताल करना है और उन्हीं में से चंद बातें मैं आपके सामने तफसीली तौर पर पेश करूँगा और उसी एतबार से फिर आपको एक नहज मिलेगा कि आपको आगे कैसे मुताला करना है जो वान है किताब के अंदर ख़ानदान नशोनुमा और नबूत से पहले के हालात ये मेन हेडिंग है फिर उसके बाद नसब नामा मुबारक अल्लाह के नबी का नसब नामा आपका नसब नामा ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन खुश बिन कलाब बिन मर्रा बिन क़ बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन بن बिन بن बिनलियास बिन, बिन मज़र बिन नजार बिन माद बिन अदनान यहाँ तक हसबो नसब आपका सही तौर पर मिलता है हम में से कितने लोग हैं जिनका व नसब यही सिलसिला चार पुश्त तक याद हो चार पुष्त यानी अब्बा हो गए दादा हो गए परदादा हो गए उसके ऊपर कितने लोग हैं जिनको याद हो ये महफूज रखना है यही चीज़ जो है किसी के बारे में तहकीक करने के लिए एक रास्ता मुतयन करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम इतना हसब एकदम महफूज है जो जिक्र किया जाता है इसमें कोई शक नहीं इसके अलावा भी और लोगों ने जिक्र किया है लेकिन बाद में हुआ कि नहीं ये इनके बेटे नहीं इनके बेटे वगैरह वगैरह आगे मिलेगा लेकिन यहाँ तक एकदम साबित शुदा है कहते हैं अदनान बिल इस्माइल बिल्तफाक इसमाइल की नस्ल से हैं इसमासरात सलाम कहाँ मुकीम थे यानी कहाँ आबाद हुए थे मक्का में किसके बेटे हैं इब्राहिम के। तो यहाँ तक यह है कि अदनान इसमाइल व सलाम की नस्ल से हैं लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं और उनके नाम क्या क्या हैं इस बारे में बड़ा इख्तलाफ है यानी अदनान तक तो, तो कन्फर्म है अदनान से लेकर के इस्माइल ले अल इसलाम के बीच में कितने और लोग हैं और वो कौन कौन है इसमें ज़रा अख्तिला कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है अब मैं इसी रोशनी में आपसे गुफ्तगु करूंगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मनाफ बिन कुसै ठीक है यहाँ तक हम देखेंगे जिनका तस्करा मिल रहा है उनके हालात मिल रहे हैं उस रोशनी में ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम वसल्लम ख़ानदानी हैं कैसे ये सिर्फ नाम से तो होता नहीं है जिनका नाम लिया जा रहा था वो कैसे थे इज्जतदार थे या नहीं थे इसके अतबार से तय होता है ना नाम तो सभी गिना सकते हैं तो आप का जो कबीला है उसको क्या कहा जाता है कुरैश क्या कहा जाता है कुरैश और ख़ानदान हाशिम ये क्या होता है कबीला ख़ानदान कबीला बड़ा होता है फिर उसी में देखिए धीरे 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 ख़ानदान दर ख़ानदान निकलते चले जाते हैं है ना बहुत सारे लोग हैं कि पहले एक ही बाप के बेटे वहाँ बसे उनके चार लड़के थे फिर उन चार के चार घर बना फिर उनकी औलादें चार हुई चार चार सबका अलग अलग बनता चला गया तो सबसे ऊपर जो है वो खानदान कबीला है और फिर उसमें ये ख़ानदान शाख दर शाख निकलते चले गए ठीक तो है तो नबी का कबीला कौन सा है कुरैश और नबी का ख़ानदान कौन सा है बनु हाशिम या हाशमी ख़ानदान भी कह सकते हैं पहला सवाल ये है कि कुरैश आपके कबीले का नाम क्यों है क्यों ये नाम पड़ा कुरैश का कबीला कुरैशी कबीला ये नाम आप ही के जो ऊपर हसब ना, नामा बयान किया गया उसमें आप देखेंगे कि कम से कम दस नस्ल ऊपर जा कर के दस पुशत ऊपर जा कर के एक नाम मिलता है फ़हर बिन मालिक या उनके बाद नजर बिन कनाना ये दो हैं इनमें से किसी का लकब था क्रैश इनमें से किसी का लकब था क्रैश उसके बाद से इस खान इस कबीले का नाम क्रैश पड़ गया ये कुरैशी कबीला तब से कहलाया जाने लगा उसके बाद जितने भी नीचे हैं सब कुरैश कहलाए अगर आपसे पूछा जाए कि नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कुरैशी है तो कुरैश नाम क्यों पड़ा तो ये कहा जाएगा कि आपके आबा वजदाद में आपके आबा वजदाद में बाप दादा में मालिक फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन कनाना इन दोनों में से किसी का ना लकब कुरैश था लकब क्या था कुरैश था इसलिए ये कुरैशी कबीला बना इस कबीले के अंदर बहुत सारे लोग हुए जैसा कि आप देख रहे हैं यानी कनाना से नीचे आप देखिए तो कई लोग काब बिन हैं गालिब बिन फहर हैं कुसे बिन कलाब हैं मुर्रा बिन काब हैं वगैरह वगैरह लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत जो मिली है कुसै को मिली किसको मिली है कुसै आपके खानदानी के हैं ना आपके बाप दादा में से है ना कुस बिन कलाब कलाब के बेटे ठीक है थीके? तो कुसे के बारे में आता है कि यतीम हो गए थे बचपन ही में और इनकी वालदा इनको लेकर के शाम चली गई थी और एक कबीला कबीला उजरा है वहां जाकर के वहीं इनकी प्रवेश पर हुई जब ये बड़े हुए तो ये वापस लौट के मक्का आते हैं कहाँ से शाम से मक्का आते हैं और मक्का आने के बाद किसी भी तरीके से वहां की सरदारी हासिल करते हैं खाना काबा के मुतवली हो जाते हैं खाना काबा के मुतवली हो जाते हैं और ये पहले क्रैशी हैं जो खाना काबा की मुतवली हुए और फिर जो है इनका पहला काम ये हुआ जो आज मिलता है ना कि हाजियों को खाना खिलाना सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है शरबत वगैरह पिलाना क्या करते थे शहद किशमिश वगैरह का शरबत ही बनवाते थे और उसके बाद हाजियों में तकसीम करते थे ये काम अच्छा है या नहीं किशमिश का शरबत पिलाना अच्छा है या नहीं वो भी हाजियों को पैसा लगता होगा ना सखावत का काम है हमारे बाप दादा में से अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो हम कितनी बार उसका तस्करा करते हैं अपने बच्चों से हाँ, खानदानी आदमी अरे हम लोग ये ऐसे थोड़ी ना है हमारे बाप दादा ऐसे से करते थे मुफ्त में इतनी जमीन दे दिया करते थे तो लोगों को बसा दिया करते थे बड़े फख्र से हम बयान करते हैं तो ये थे जिन्होंने ये शुरुआत की खाना तैयार कराते थे और इसी तरीके से शरबत तैयार कराते थे, हाजियों में तकसीम करते थे एक चीज़ आपने सुना होगा हाँ? उसकी प्लानिंग इन्होंने की थी खाना काबा के बगल में एक नदवा बनाया था जहाँ इनकी मीटिंग होती थी इनके इज्तमाही प्रोग्राम होते थे शादी ब्याह ये एक अच्छा काम है सामाजिक एतबार से अच्छा काम है ना इन्होंने किया कौन था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा में से थे इन्हीं के हाथ में झंडा हुआ करता था जंग का इसका मतलब है जंग उस दौर में बहुत अहम मानी जाती थी इनका झंडा उठाना जंग का ऐलान करना था और गिरा देना जंग के खात्मे का ऐलान था तो ये शर्फ की बात हुआ करती थी हर एक को झंडा नहीं दिया जाता था ये है कुस जिनका एक कारनामा है और बहुत अकलमंद और सखी आदमी इनको शुमार किया जाता था तो एक का तस्करा भी आया आपके खानदान के कुसे का कि जिनकी चंद चंदनामे यहाँ जिक्र किए जा रहे हैं जो जो एकदम वाजे थे उनको बयान किया गया वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी खूबियाँ होंगी कि लोगों ने उनको अपना मुतवली अपना सरदार बना लिया और उनकी इस तरह की उनके मातहती में तमाम काम वो अंजाम दे रहे थे तो नबी करीम कोई मामूली शख्स नहीं थे बल्कि आपके ख़ानदान में खाना काबा की तवलियत भी थी सरदारी भी थी मकतुलमकरमा की झंडा आप ही के खानदान वालों के पास था और इसी तरीके से जो है नदवा वगैरह और सखावत वगैरह का तस्करा है एक इसी तरीके से आप देखें आपको जो सिलसिला नसब बयान किया गया उसमें एक नाम है हाशिम क्या है हाशिम हाशिम आपके कौन होंगे परदादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम इन्हीं के नाम से आपके खानदान का नाम हाशमी पड़ा कुरैश तो जो लकब था किसका था फहर बिन मालिक का या नजर बिन कनाना का उसके नाम पर कबीरे का नाम कुरैश पड़ा जो हाशमी खानदान कहलाते हैं तो वो नबी करीम अलैहि वसल्लम के परदादा का क्या था लकब था बस इसी को समझना है इसी से इनकी फजीलत वाजी हो जाएगी इनका लकब हाशिम क्यों पड़ा हाँ मतलब ये हाजियों के लिए क्या किया करते थे रोटी तोड़ते थे और तोड़ करके शोरबे में गोश्ते के शोरबे में उसको डुबो दिया करते थे और फिर उनको खिला देते थे तो इस तरह शोरबे में रोटी को तोड़ने को कहा जाता है अरबी में हाशम और तोड़ने वाले को हाशिम इसमें फायल तो इनका लकह भी इनकी फजीलत है सखावत ठीक है और समाजी के से भी इनका असल नाम जो था अमर था क्या था एन मीमरा वाओ एक होता उमर जिसमें वाव नहीं रहता एक होता अमर जिसमें वाव लगा रहता है उसको कभी अमरु मत पढ़िएगा, वो अमर है ठीक है वाव आखिर में आप देखिए अरबी जबान है ये वो वाव तो पेश की अलामत होती है हा? लेकिन वो दरअसल आयन का हरकत बदलाने के लिए एक बतौर निशान वहां जिक्र किया गया बस वरना दोनों को लिखने का तरीका एक है उमर और अमर का है ना लेकिन ये कि गलती ना होने पाए कि आयन पर जबर पड़े कि जम्मा पढ़े उसके लिए आखिर में वाव लगा दिए तो ये अमर इन हाशिम का नाम क्या था अमर और उनका लकब क्या था हाशिम आपने कुरान करीम में पढ़ोगा ली इलाफी कुरैशिन इलाफीम रिश्लत शीताई व सैफ गर्मी में और ठंडी में ये लोग सफर किया कर तजारत के लिए जाते थे और यही इनका वो था हाजी आते थे तो उनसे तजारत कर लेते थे और गर्मी और ठंडी में ये बाहर निकल करके चले जाते थे तजारत करने के लिए तो जब वो जाड़े का मौसम होता तो यमन जाते थे तजारत के लिए और जब गर्मी का मौसम होता था तो शाम जाते थे तजारत के लिए तो ये दोनों तजारतों की राह हमवार करने वाले वहां के जो गवर्नमेंट है जो हुकूमत थी उससे परमिशन लेने वाले माहिदा करने वाले ये हाशिम थे इन्होंने उस सफर को मुरतब किया था कि हमारे लोग जाएंगे तिजारत करने तो जो उनकी ज़रूरत है उसका ख्याल रखा जाए उनको तकलीफ ना पहुंचाया जाए मुहिदा होता है दो गवर्नमेंट के बीच में तो वैसे इन्होंने ये सिफारती काम किया था इसी तरीके से इसी तरह का सफर था हाशिम शाम के सफ़र के लिए तिजारत के लिए जा रहे थे और मदीना मनोवर जब पहुंचे तो वहां एक औरत से उन्होंने शादी की जिनका नाम सलमा बिन्त अमृत सलमा बिन्त सलमा बिन्त अमरुद हाशिम का नाम क्या है और इनके ससुर का नाम क्या है अमर ठीक है तो सलमा बिन आमर सिन्ों ने निकाह किया और उसके बाद तिजारत को आगे बढ़ गए यमन से गुज़रते हुए शाम चले गए और फिर वहीं जब फ़लस् पहुँचे तो आज बोलते हैं गज्जा वहीं इनका इंतकाल हुआ वहीं दफन कर दिए गए लेकिन चूंकि शादी के बाद बीवी से मुलाकात हो चुकी थी और बीवी सलमा बिन तो अमर हमला हो चुकी थी उनसे एक बच्चा पैदा हुआ इनका इंतकाल हो चुका है उनसे एक बच्चा पैदा, पैदा हुआ जिसके सर में कुछ बाल सफ़ेद थे कुछ बा, कुछ बाल सफेद थे सफेदी थी तो उस बच्चे का नाम शैबा रखा गया क्या रखा गया शैबा अरबी में बाल के सफेद होने को बुढ़ापा तारी होने को शैबा कहा जाता है ठीक है तो उस बाल के सफ़ेदी की वजह से कि बचपन ही में बाल सफ़ेद थे चंद तो उनका नाम शैबा रख दिया गया ठीक अब ख़ानदान के लोगों को कुछ पता नहीं है कि हमारे ख़ानदान का एक बच्चा मदीना में पल रहा है हाशिम की हाँ मक्का में उनका ख़ानदान था हाशिम का और वो तिजारत करने गए थे रास्ते में उन्होंने निकाह किया और वहीं आगे बढ़ गए और फिर वो बच्चा मदीना मनौर में पैदा हुआ वहीं पल बढ़ रहा है जिसका नाम क्या था शैबा, शैबा। अब हाशिम का ख़ात्मा हो मतलब जो सिलसिला ख़त्म हो रहा है उनकी उनके सखावत और उनकी समाजी खिदमत आपके सामने आ गई पता ही चला कि वो भी अपने समाज में असर रसूख रखने वाली शख्सियत कौन हाशिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे परदादा थे ठीक है उनका एक बेटा है शेयबा जो मदीना में पल रहा है और मक्का में खानदान के लोगों को उसका इल्म नहीं था मदीना में वो मदीना में निकाह करके चले गए थे कि वापसी में हम लेकर आएंगे लेकिन वहीं दाल हो गया शाम में अब बाद में मक्का के लोगों को पता चला कि मेरे भाई के का निकाह वहां हुआ था और उनसे एक बेटा भी है लिहाजा के भाइयों ने जाकर के उस शैबा को हासिल करने की कोशिश की किसको शैबा।, शैबा को तो हाशिम के एक भाई का नाम था मुत्तलिब क्या नाम था मुत्तलिब, मुत्तलिब। और वही मुत्तलिब लेने गए थे किनको अपने भतीजे को जब वो लेकर के आए खूबसूरत बच्चा था मदीना मुनवर मखतमकर में जब आप दाखिल होने लगे तो लोगों ने सोचा कि मुतलिब का गुलाम है ये क्या है का क्या है गुलाम अरबी जबान में गुलाम को क्या कहते हैं अब तो लोगों ने देख के कहना शुरू अब्दुल मुतलिब अब्दुल मुतलीब अब्दुल मुतलिब किसको शैबा को कि मुतलिफ का गुलाम है उस दिन से इनका जो लकब पड़ा क्या पड़ा अब्दुल मुतलिफ नाम क्या है शहबा अब्दुल मुतलिफ आपके कौन है दादा।, दादा आपके दादा ठीक है बात समझ में आई अब आगे जो तस्करा चलेगा वो अब्दुल मुतलिब के बारे में कि वो ख़ानदानी थे या नहीं शरफ़ मंजिलत वाले ख़ानदानी जो मैं बोल रहा हूँ मुराद उससे जो आम जबान में लोग इस्तेमाल ख़ानदानी उससे बोला, मुराद ये शरफ़ मंजिलत वाले तो अब्दुल अब्दुलमतलिब ये जब बड़े हुए तो मक्का के सरदारी इनको मिली और उसके बाद ये भी बहुत फ़यास शख्स थे बहुत फ़यास सखी थे आम लोगों पर ख़र्च करना इंसानों पर खर्च करना जानवरों पर ख़र्च करना ये अपने लिए फख्र महसूस किया करते थे इनके बारे में एक जुमला मशहूर हो चुका था कि ज़मीन पर इंसानों को खिलाते हैं और पहाड़ की चोटियों पर जानवरों और परिंदों को खिलाते हैं ये इनके बारे में मशहूर था तो ये सब कोई मामूली चीज़ नहीं है खाना खिलाना सैराब करना ये बहुत आ, शर्फ व मंजिलत की बात है जो सखावत की बात है और समाज के अंदर जो सखी होता है किसी भी धर्म का हो अगर वो सखी है तो लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं उसकी कदर करते हैं तो चुनाचे ये सखी थे जैसा कि दसकर आया कि इंसानों को भी खिलाते थे परिंदों को भी खिलाते थे जानवरों तक तो को ये खिलाया करते थे आपने जमज़म का कुआं सुना है जमजम का जमजम का पानी आ, कब से निकलना शुरू हुआ है कितना इसमाइल एक दौर आया था कि उस कुएं को पाट दिया गया था एक कबीला था बनु जुरहुम जब वो जाने लगा शिकस्त खा करके तो उसने क्या किया सब बंद उन करके ढक करके चला गया उस जमजम के कुएं को दोबारा खोदने का शर्फ हासिल हुआ है किसको अब्दुल मुत्तलिब को इनका नाम क्या है इनके चचा का क्या नाम मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब इनका लकब है कि नाम है लकब कैसे पढ़ा कौन लेकर आ रहे थे चचा मुत्तलिब लेकर के आ रहे थे लोगों ने समझा कि उनके गुलाम इसलिए अब्दुल मुतलिफ कहना शुरू कर दिया तो इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब में दिखाया कि फना मकाम पर कुआं है उसको खोदो जमज़म है तो जमज़म का तस्करा लोग तो सुनते थे लेकिन कहाँ है पता नहीं था तो भी एक शर्फ़ की बात थी कि जमज़म का कुआ खोदने का शर्फ हासिल हो जाए तो अल्लाह ताला ने दो तीन मरतबा जब इनको दिखलाया तो इन्होंने उसको खोदा ख्वाब हाँ ख्वाब अल्लाह ताला ने दिखाया तो ये शर्फ उनको हासिल है आज तक उसके बाद से जमजम का कुआं मेरे इल्म के मुताबिक कभी पटा नहीं फिर से फिर वो सिलसिला आज तक जारी है ये शर्फ इनको हासिल है एक वाकया सूरह फील आपने पढ़ा है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका असहा फील का जो वाक दौर में आया इन्हीं के दौर में उसमें इनका जो किरदार था वो अच्छा था या खराब अरे खाना काबा बचाने नहीं गए कहा हमारा ऊंट दे दो आप अपना जानो ये तो हुआ था कि आपने हमारा ऊँट पकड़ा वो छोड़ दीजिए और खाना काबा जाना ये असल है उस समाज में शिर के आ गया था अलग बात है लेकिन ये लोग अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह पर एतमाद रखने वाले लोग थे कहा कि मेरा वोट उसका मालिक मैं हूं और वो घर जो है उसका मालिक अल्लाह है पता ये चला मस्जिदों का मालिक अल्लाह ही होता है ट्रस्टी मुतवली नहीं होते कि जैसा चाहे हुक्म चलाए है।, है कि नहीं वो मुतवली थे ना कहा वो उसका मालिक अल्लाह ही है चुनाचे यही हुआ अल्लाह ताला ने वो दिखलाया कि जिसको रहती दुनिया तक लोग जानेंगे और इबरत हासिल करेंगे कि उस खाना काबा की तरफ जिसने भी बुरी निगाह डाली है वो निशान इबरत बन गया है अल्लाह ताला ने हमेशा हमेश के लिए उसको एक जो है निशानी बना दिया सुनाचे इन्हीं के दौर में वाक़ पेश आया था भी शर्फ़ की बात है इनके ईमान अल्लाह पर इस कदर था तो बात चल रही है मुत्तलिब की अब्दुल मुत्तलिब को जब कुआं खोदना हुआ तो वो शर्फ़ की बात थी तो क्रैश के जो और दूसरे ख़ानदान थे उन लोगों ने कहा कि हमको भी शरीक कर लीजिए तो नेक काम को करने के लिए झगड़े होने लगे और झगड़े इतना बढ़े कि तलवार निकल आई झगड़ा इतना बढ़ा कि हमको खोदना है हमको भी शरीक कर लो नेक काम है वो कह रहे नहीं खोने देंगे तो झगड़ा हुआ जंग होने की नौबत आ गई उस वक्त इन्होंने एक नजर मानी थी अल्लाह मुझको दस औलाद ऐसी दे जो लड़ने के काबिल हो जाए तो एक को मैं तेरे लिए जबह कर दूंगा एक को मैं तेरे लिए जबा कर दूंगा बहर अल्लाह ताला ने इनकी मुराद पूरी कर दी अब दस में से एक को जबा करना था किसको करें कई बार दाज़ी की गई घूम फिर करके सबसे चहेता जो लड़का था उसी का नाम आता था वो कौन था अब्दुल्ला यहां से उनका शर्फ है इज्जतज मंजिलत वाले लोग हैं ये उन्हीं का नाम आता था तो आखिर उन्होंने तहैया कर लिया कि ठीक है जब नाम उनका आ रहा है और मैंने नजर मान रखी है तुमको तो जबा कर देंगे लेकिन जब वो जबा करने के लिए आगे बढ़े तो अब्दुल्ला के भाई और चचा लोग सामने आ गए कि बोलें नहीं जबाह ना कीजिए कोई और रास्ता निकालिए फिर उस दौर में फना फना के पास गए तो उसने एक रास्ता ये निकाला कि फिदिया दे दें क्या दे दें कितना एक जान की जो फिदिया होती है उतना दे दें वो क्या है एक जान का फिदिया क्या है सौ ऊट लिहाजा उस दिन से सौ ऊट एक जान की कीमत मुतयन हो गई और बाद में शरीयत ने भी उसको बाकी रखा है ना अब आइए अल्लाह के नबी वसल्लम के लिए कहा जाता है के, के नबी दो जबीला के औलाद दो जबी तो कौन एक इसमाइल उन्हीं की नसल से अल्लाह के नबी हैं और दूसरा खुद आपके वालिद अब्दुल्ला जो जबी थे ये और बात है उसके बदले में इसी तरह कहा जाता है कि अल्लाह के नबी दो ऐसे बुज़ुर्गों की औलाद हैं जिनकी जानब से फिदिया दिया गया अब्दुल्ला की जानब से सऊट फिदिया दिया गया और वदइीना बेद बहिन अदीम इसमाइल इसलातना जबी तो उनको भी जबह करने की नौबत आई थी तो अल्लाह ताला ने फिया मतिन कर दिया क्या बकरीद मनाओ तो दो ऐसे बुजुर्गों की आप औलाद हैं जो जिनकी जानब से फिदिया देकर के जान छुड़ाया गया है और दो ऐसे दो जबी के औलाद चंदे का यहाँ तस्करा किया गया ये अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग हैं क्या ऐसे शख्स से जिसके ख़ानदान में इतना मरतबत लोग हों क्या किसी लालच की बुनियाद पर वो ये सब बखेड़ा करेंगे मैं नबी हूँ ऐसा मेरी को इतबा करो लोगों ने बाद में ये कहा ना तुमको पैसे की जरूरत हो तो पैसा ले लो हुकूमत चाहिए तो हुकूमत ले लो अगर उनको हुकूमत ही लेनी थी तो अपने बाप के नक्शे कदम पर खानदान के नक्शे कदम पे चलते रहते दुनिया के लोगों से खुद खानदान के लोगों से बगावत मोल लेने की जरूरत क्या थी उसी में आसानी थी ना कि हमारे खानदान में जो चला आ रहा है गद्दी तो पहले ही से मिली हुई थी उसी में ये भी जीते और शान से जीते लेकिन आपने उसको तर्क करके एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से खुद खानदान के लोग दुश्मन हो गए इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया है वो किसी लालच की वजह से नहीं किया है आप किसी ऐसी खानदान से इनका ताल्लुक नहीं था कि किसी लालच की बुनियाद पर हुकूमत की लालच की बुनियाद पर या किसी और चीज की वजह से आपने काम किया माल की लालच आपके खानदान वाले तो माल खर्च करने वाले थे माल जमा करने वाला दूसरों से हासिल करने वाले नहीं थे इंसान की खसलत को उसके खानदान के उसके आबा अजदाद की आदात अतवार से नापा जाता है एक बात यह हमें इस सबक से बतौर नसीहत मालूम हुई कि इसको पढ़ने के बाद ये हम दावा कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ना माल की लालच में ना जो है जायदाद के लालच में ना उहदा के लालच में ना मनसब के लालच में दावत का तोहेद कालम बुलंद किया इन तमाम से परे हट करके के आपने जो काम किया है वो इनसे बहुत ऊंची चीज़ है और लोगों ने इस बात को तो यह फिक्र सीरा ये है क्या है एक फिका हमें मालूम एक, एक समझ मालूम हो इस चीज को पढ़ने से कि अगर आपको इन चीजों की लालच थी तो तोहहीद की दावत ना देकर को पहले से हासिल थी उस शख्स के बारे में आप एक ऐसा कह सकते थे कि जिसको ये तमाम चीजें हासिल नहीं है और हासिल करने के लिए दीन का नाम लिया है आज समझ में क्या होता है अपनी तिजारत चमकाने के लिए दीन का एक लेवल लगा देते हैं घर चो दीन पर अमल ना हो नमाज वक्त से नहीं हो रही लेकिन एक दीन का लेवल लगा दिया गया है अब लोग दीन के नाम पर आते हैं तिजारत चमकाना हो तो सियासत चमकाना हो तो दीन के नाम पर घर में चाहे दीन ना हो लेकिन हम पार्टी बनाए हैं दीन के नाम पर बात समझ ना तो दीन का इस्तेमाल लोगों ने तो किया है माल जमा करने के लिए उहदा मनसब हासिल करने के लिए सब किया है लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बरखिलाफ हैं वो क्या उहदा को मनसब को माल को जायदाद को खानदान को सब कुर्बान कर दिया है दीन के लिए ये होना चाहिए ना कि इसके अपोजिट जो आज समाज में दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि दीन के लिए सब कुर्बान किया जा सकता है लेकिन दीन को और चीज़ों को हासिल करने के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता और आज ये चल रहा है ठीक एक बात और मैं बताऊँ फिक्र सीरा के तौर पर कि जब आप दावत का काम करेंगे तो आपका जो मनसब है समाज के अंदर लोग उसको छीनने की कोशिश करेंगे उस मनसब से आपको हटाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करेंगे जो आ, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे जो आपके बाप दादा ने बनाया था आगे बात पहुंची जहां तो मैं कहना चाहता हूँ नदवा आप ही के खानदान के लोगों ने कबीले के लोगों ने बनाया था बाद में उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा रहा है अल्लाह के नबी वसल्लम को कत्ल करने का जो मंसूबा बना था हिजरत से पहले जो मंसूबा बना था और अल्लाह ने बचाया उनसे तो वो कहाँ बना था उसी दारदवा में जिसकी बुनियाद आपके आबा अजदाद में से एक शख्सियत ने रखी थी तो बहरहाल इस हैसियत से हमें ये सबक पढ़ना चाहिए तो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं बकिया भी आप जब मुताला करेंगे तो इसी एतबार से आप पढ़ने की कोशिश करें तमाम को इसकी कदर करने वाला बना इल्म नाफ़िया फरमा उस पर अमल पैदा होने की तौफीक दे आमीन तखबर रबल वसलम